हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ठीक है, होपफुली जल्दी से जल्दी सब जुड़ जाएं यहाँ पर। ठीक है, फिर हम लोग आज का टॉपिक जो है वो स्टार्ट कर देंगे। ठीक है ना, जल्दी जल्दी सभी बच्चे जुड़ जाओ। गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो सभी? मैं आप सभी को विजिबल और ऑडिबल हूँ ना? प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए, क्या मैं आप सभी को विजिबल और ऑडिबल हूँ? ठीक है, आई थिंक मैं विजिबल और ऑडिबल हूँ। जल्दी से आ जाए बच्चों सभी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सुमन, गुड मॉर्निंग। ठीक है, आ जाए सभी, आ जाए, फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, लेट्स वेट। ठीक है, आ जाओ। गुड मॉर्निंग कंचन, गुड मॉर्निंग। ठीक है, लेट्स वेट फॉर 1 or 2 मिनट्स, देन वी विल स्टार्ट, राइट? ठीक है, 1 मिनट वेट करते हैं। हाय सचिन, कैसे हो बच्चों सभी? आज जो हम पढ़ेंगे दैट वॉज सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्टेंस। वेरी गुड मॉर्निंग शुभम, गुड मॉर्निंग हेमलता, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। ठीक है, सभी को गुड मॉर्निंग मेरी तरफ से भी, सभी को गुड मॉर्निंग बच्चों। ठीक है, आ जाएं सभी, आ जाएं। ठीक है, CUT का एडमिट कार्ड जब आएगा आपको मालूम चल जाएगा। ठीक है ना, हम लोग यहाँ पर कर देंगे, कर भी देंगे अनाउंसमेंट वगैरह। एग्जाम से बेसिकली ऐसा रहता है ना, 1 वीक पहले आ जाता है आप लोगों का एडमिट कार्ड। ठीक है, 1 वीक पहले, तो उसमें उतना घबराने वाली बात होती नहीं है। CUT में जो आप लोगों का फर्स्ट प्रेफरेंस या मैक्स टू मैक्स सेकंड प्रेफरेंस जो रहती है सेंटर्स की, वही सेंटर्स वो आप लोगों को दे देते हैं। ठीक है, गुड मॉर्निंग शिवांगी, गुड मॉर्निंग। अच्छा देखिएगा, अभी सभी के लिए एक छोटी सी अनाउंसमेंट है यहाँ पर। ठीक है, दिस इज बेसिकली धमाका 3.0। ये है क्या बच्चों, जैसे कि आप लोगों का, हाँ मैं बता दूंगा आप लोगों को। ठीक है, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट हाँ मैं अभी आप लोगों को कुछ अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, यहाँ पर एक बार सुनिए आप वो सब चीजें। ठीक है, देखो ये है बच्चों बेसिकली धमाका 3.0। ये क्या है, जैसे आप लोगों का CUCT का एग्जाम पास में आ रहा है। ठीक है, तो CUCT के लिए यहाँ पर टेस्ट सीरीज है बच्चों, और वो भी सिर्फ 1 रुपए में वो टेस्ट सीरीज है सारी। ठीक है, ठीक है ना, वो 1 या 1 रुपए की आप लोगों की पूरी टेस्ट सीरीज है। तो ये मैं चाहूंगा कि जो बच्चे इस साल या जो नेक्स्ट ईयर जो भी बच्चे CUCT का या JAM का एग्जाम देंगे वो सभी ये टेस्ट सीरीज बाय कर लें। ठीक है, मतलब बच्चों प्राइस इसका कुछ भी नहीं है, राइट? ठीक है ना, प्राइस इसका कुछ भी नहीं है, आप लोग इसे बाय कर लें सभी बच्चे। बाय कैसे करोगे, IFS की साइट पर जाओ आप, IFS की साइट पर जाकर आप प्ले स्टोर पर जाकर आप IFS ऐप डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर जैसे आप अपना सब्जेक्ट चूज करेंगे जिसमें आपको जाना है, ठीक है, वो जैसे ही आप चूज करेंगे वहां पर फिर CUCT का जो है टेस्ट पेपर जो है वो आपको मिल जाएगा, उसके साथ उसका सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे आपको। ठीक है, वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है ना, सिर्फ 1 रुपए में टेस्ट सीरीज है, सारे सब्जेक्ट से आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। देखो कृष्णा, अगर जो बच्चे JAM में यहाँ पर नए हैं, ठीक है, उन लोगों का मेरा सजेशन यही है कि वो सबसे पहले मैथमेटिकल फिजिक्स से शुरू करें। ठीक है, क्योंकि वो बेस रहेगा आप सभी के लिए। ठीक है ना, वो बेस रहेगा आप सभी बच्चों के लिए। और उसी के साथ हमारी नेक्स्ट अनाउंसमेंट जो है वो है ये बच्चों। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है कि आप CUCT के रिकॉर्डेड कोर्सेज जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ 99 रुपीज। ठीक है, शुरू में आपको प्राइस वो हाई दिखाएगा, लेकिन अगर आप वहां पर कोड डाल दोगे IFAS तो वो जो है बेसिकली आपको जो रिकॉर्डिंग कोर्सेज हैं IIT JAM के लिए या CUCT के लिए वो आपको 99 रुपीज में दिखा देगा। ठीक है, ये बेसिकली है CUCT दिखा रखा है, पर बच्चों आप लोगों को मालूम है JAM और CUCT का सिलेबस जो है वो अप्रोक्सीमेट, मतलब अराउंड 85-90% हमारा मैच करता है। तो आप लोग ये प्रिपरेशन दोनों के लिए कर सकते हो। ठीक है, हर एक टीचर्स जो अपनी फील्ड में मास्टर्स हैं वो सभी इस उन्होंने यहाँ पर अपने अपने सब्जेक्ट जो है वो पढ़ाए हुए हैं। ठीक है ना, तो आप लोग ये बाय कर सकते हो। ठीक है, तो ठीक है बच्चों, मैं स्टार्ट करता हूँ, किसी बच्चे को कहीं डाउट आए तो वो पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो मुझे अभी आज स्टार्ट करना है बच्चों म्यूचुअल इंडक्टेंस। मुझे आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करना है, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस। ठीक है, इसी के साथ एक छोटी सी अनाउंसमेंट और है। ठीक है, नेक्स्ट वीक हम लोग यहीं पर ही मिलेंगे IIT JAM के सेक्शन में, रिकॉर्ड के लिए भी IFS कोड।
हाँ रिकॉर्डिंग के लिए भी आप लोगों को IFS कोड ही डालना होगा, ठीक है ना, वरना वो प्राइस आपको हाई दिखाएगा, आप लोग फिर बाद में IFS कोड डाल सकते हो और वहां पर वो आपको दिखा देगा जो प्राइस है वो ड्रॉप हो जाएगा 99 रुपीज में आ जाएगा, ठीक है। हाँ आप लोगों के लिए बच्चों एक छोटी सी अनाउंसमेंट और ये है कि जो नेक्स्ट वीक से IFS के YouTube चैनल पर ही मैं आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाऊंगा, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली जो टाइमिंग है, ठीक है ना, मोस्ट प्रोबेबली जो टाइमिंग रहेगा आप लोगों का वो रहेगा 7 PM to 8 PM, ठीक है, 99% यही टाइमिंग रहेगा शाम को, ठीक है। किसी दिन हो सकता है कुछ चेंज वगैरह देखने को मिल जाए, अदरवाइज टाइमिंग वही रहने वाला है आपका, ठीक है ना। तो आप सभी लोग उस टाइम कॉलेज वगैरह से सब आ चुके होते हैं, तो इलेक्ट्रॉनिक्स वहां पर आप लोग मेरे साथ जो है वो रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं वहां पर आपको ओप एम्प, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, सीनर डायोड और बेसिकली ट्रांजिस्टर्स का जो बेसिक है, जो हमारा एक मेजर पोर्शन रहता है जितना भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स में, वो सब मैं वहां पर आपको रिवाइज करवा दूंगा, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा प्लीज यहाँ पर ध्यान देना, ठीक है। मेरे को आपको बताना है बच्चों म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में। अब ये म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होती है, ठीक है, बच्चा ये जानना चाहता है म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होती है। जैसे कि हाँ ये रिवीजन कोर्स है या फुल, यहाँ पर ये वाला जो होगा ये रिवीजन कोर्स है बच्चे, जो यूट्यूब पे हम ले रहे हैं, बट जो आप IFS से डाउनलोड करोगे मतलब 99 रुपीज में जो आपको मिलेगा वो कंप्लीट कोर्स रहेगा आपका, ठीक है ना, ठीक है ना, वो कंप्लीट कोर्स रहेगा, ठीक है, ठीक है ना। मैकेनिक्स मैं नहीं, मैकेनिक्स आपको कोई दूसरे टीचर जो है वो IFS पर पढ़ाएंगे, ठीक है ना। प्रद्युमन सर आपको जो है वो मैकेनिक्स पढ़ाते हैं, तो आप उनके रिकॉर्डिंग लेक्चर्स देख सकते हो, शाम को उनकी क्लास लग भी रही है, ठीक है ना, आप उस क्लास में आ जाते हो। जैसे कल उन्होंने सेंट्रल फोर्स पढ़ाया था, कल और परसों, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आप लोगों के जैम के हिसाब से भी, ठीक है। देखो बच्चों म्यूचुअल इंडक्टेंस जो है, हाय हाय हेलो, म्यूचुअल इंडक्टेंस जो वर्ड है बच्चों ये हमारे कहाँ से निकल कर आया है, ये निकल कर आया है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्या होती है, ये आपका CUCT के एग्जाम तक वैलिड रहेगा, ठीक है। अब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्या होती है बच्चों, कि भाई मैं कुछ भी बात बोलूं और वो समझ जाए, या फिर मैं कुछ भी बात ना बोलूं और मेरे आंखों के इशारों से वो सब कुछ समझ जाए, वही होता है ना, कि एक इंसान कुछ काम करे और दूसरा इंसान उसको समझ जाए या उसके ऊपर इंप्लीमेंट करना शुरू कर दे, यस और नो, यही होती है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। तो सेम ऐसे ही होता है बच्चों म्यूचुअल इंडक्टेंस। क्या होता है म्यूचुअल इंडक्टेंस में, जैसे मान लीजिए मैं लिखवा दूंगा इसके बारे में पूरा आपको, मान लीजिए ये मेरे पास एक कॉइल है, ठीक है, इसका इस पे करंट जो है वो आई जा रहा है, ठीक है, दूसरी कॉइल जो है इसके ऊपर कोई भी करंट नहीं जा रहा, ठीक है। अभी क्या है, देखो इस कॉइल पर जो करंट जाएगा इसकी वजह से हमको मैग्नेटिक फील्ड देखने को मिलेगी, इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमको मैग्नेटिक फ्लक्स देखने को मिलेगा, यस और नो, ठीक है। अब ये जब मैग्नेटिक फ्लक्स, ध्यान से समझना, ये मैग्नेटिक फ्लक्स देखिएगा, यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगी, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस वाले जो रिंग है इससे पास आउट करेगी, यस और नो। अब इससे जब ये पास आउट करेंगी यहां पर क्या होगा बच्चों, हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा। अब अगर सोच के देखो, ये मैग्नेटिक फ्लक्स अगर मैं चेंज करना शुरू कर दूं, ध्यान से समझना, अगर इस मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर हमको चेंज दिखाई दे, कैसे, मान लो ये जो करंट है ये टाइम का फंक्शन हो, या मैं इसी रिंग को बेसिकली ऊपर या नीचे जो है वो मूव करवा रहा हूं, तो मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर चेंज आएगा, यस और नो। अगर मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर चेंज आएगा तो इसके अंदर एक EMF जनरेट होगी, ठीक है ना, इसके अंदर एक EMF जनरेट होगी, जो हम लोगों ने कल भी देखा था फैराडे तो मैक्सवेल थर्ड इक्वेशन से, ठीक है। इसी के साथ मेरे को एक बात और बताओ, अब मैं यहां पर रिंग की जगह अगर मैंने एक क्यूब भी रख दूं, एक क्यूब में रख दूं, तो क्या उसके थ्रू हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स जो इंडक्शन आएगा, EMF जो इंड्यूस होगी, क्या वो सेम होगी? आंसर इज नहीं भाई। यहां पर हम क्या चाहते हैं, हम तो ये चाहते हैं ना कि मैक्सिमम से मैक्सिमम EMF हमको इंड्यूस देखने को मिले, यस और नो, ठीक है ना। तो वो अब वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, वो डिपेंड करेगा कि हमारे मटेरियल की ज्योमेट्री कैसी है, वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा बच्चों, कि हमारे मटेरियल की ज्योमेट्री कैसी है, ठीक है ना, और उसी ज्योमेट्री को हम लोग नाम देंगे आगे जाकर म्यूचुअल इंडक्टेंस। उसी ज्योमेट्री को हम आगे जाकर क्या नाम देंगे बच्चों, म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। तो डेफिनेशन में लिख लीजिए यहां पर, ठीक है, डेफिनेशन में लिख लीजिए, ठीक है, इसको मैं रब कर रहा हूं, ठीक है ना, डेफिनेशन में लिखिए आप लोग, अपने नोटबुक में लिखना शुरू करो, ठीक है। ये क्या बोलता है, इफ वी हैव टू करंट कैरिंग, If we have two current carrying, if we have two current carrying coils,
ऑफ रेडियस आर, ऑफ रेडियस आर, ठीक है, दोनों की रेडियस सेम है, पुट दीज कॉइल्स क्लोज टू ईच अदर, पुट दीज कॉइल्स, पुट दीज कॉइल्स क्लोज टू ईच अदर, पुट दीज कॉइल्स क्लोज टू ईच अदर, आ रहा है ना सभी को समझ में, सभी को समझ में आ रहा है ना, ठीक है, पुट दीज कॉइल्स क्लोज टू ईच अदर, इफ करंट पासिंग थ्रू कॉइल वन, इफ करंट पासिंग थ्रू, पासिंग थ्रू कॉइल वन, इफ करंट पासिंग थ्रू कॉइल वन इज आई एंड कॉइल टू इज जीरो, मतलब करंट कॉइल वन में करंट आई गया है, कॉइल टू में करंट कितना गया है, जीरो, ठीक है, यहां पर आएगा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ लूप वन, ऑफ लूप वन विल पास थ्रू दी, विल पास थ्रू दी, विल पास थ्रू दी लूप टू, ठीक है ना। अब जैसे मान लो ये जैसे मैंने आप लोगों को जो बातें बोली है सिर्फ उन्हीं को अपने स्टेटमेंट में मैं लिख रहा हूं, ठीक है ना, कि लूप वन से जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगी वो लूप टू पर जो है वहां पर वो पास करेंगी, ठीक है ना, तो यहां पर आएगा लूप टू, सो देयर विल बी एन इंड्यूस्ड ईएमएफ, सो देयर विल बी इंड्यूस्ड ईएमएफ, विल बी इंड्यूस्ड EMF. ये induced EMF कब आएगा बच्चों, जब वो मैग्नेटिक फ्लक्स आपका चेंज हो रहा होगा, ठीक है ना, अगर वो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा होगा तभी हम लोगों को वहां पर induced EMF जो है वो देखने को मिलेगा, ठीक है ना, क्योंकि induced EMF का यही तो काम रहता है ना कि भाई जो भी चीज हमारे उसको जनरेट करवा रही है वो उसी को हमेशा अपोज करता है, जैसे कि हम लोगों ने कल फैराडे लॉ में ये चीजें देखी भी थी, ठीक है ना, यहां तक शायद मैं मानता हूं सभी बच्चों ने नोट कर लिया होगा, तो इसी के साथ मैं आगे बढ़ जाता हूं। तो देखो बच्चों, फ्लक्स थ्रू रिंग टू जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट थ्रू रिंग वन, यस और नो, फ्लक्स थ्रू रिंग टू जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा बच्चों, करंट थ्रू रिंग वन, तो यहीं से हमारे पास जो फ्लक्स सेकंड आएगा ये किसके बराबर में आ जाएगा, एम टू वन इंटू में आई वन, यस और नो, ठीक है, दिस एम इज कॉल्ड, ये M क्या कहलाता है बच्चों, म्यूचुअल इंडक्टेंस या कोफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस, म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन वन एंड टू, यही बताता है आपकी अंडरस्टैंडिंग, दो लोगों के बीच की अंडरस्टैंडिंग क्या बताता है, यही समझाता है, समझ में आई ये बात, हर एक बच्चे को क्लियर हुआ ना, दो लोगों की अंडरस्टैंडिंग क्या बताता है बच्चों, यही वो अंडरस्टैंडिंग बताता है कि भाई दोनों में कितनी अंडरस्टैंडिंग है, समझ में आया यहां तक, यस और नो, सभी को क्लियर है यहां तक, ठीक है ना, यहां तक शायद मैं मानता हूं सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ू ना, ठीक है, मैं मानता हूं यहां तक सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा। अब एक चीज और देखना, यहां से एक चीज और समझाना मेरे को, देखो बच्चों ध्यान से समझना इस चीज को, ये मेरे पास एक रिंग थी, ठीक है, इसकी रेडियस मैंने आर बोल दिया, ये मेरे पास दूसरी रिंग है जिसकी रेडियस भी मैंने आर बोल दिया, ठीक है, अब मैं करंट यहां से फ्लो करवा रहा हूं आई, तो मेरे को यहां पर फ्लक्स देखने को मिलेगा सेकंड वाले में, ठीक है ना, इसको रिंग वन बोल दो, इसको रिंग टू बोल दो, दोनों सेम दिखने में है, तो ये क्या आ जाएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस इन टू ड्यू टू वन इज करंट आई, यस और नो, अगर इन दोनों की डायमेंशन बिल्कुल सेम है, और अब मैं क्या करता हूं कि करंट यहां से ना करवा कर यहां से पास करवा देता हूं ये, तो भी क्या कोई फर्क पड़ेगा, अब जो फ्लक्स वन में जाएगा वो क्या आएगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस इन वन ड्यू टू टू, ये कितने के बराबर आ जाएगा, आई वन के बराबर, है ना। अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को ध्यान से देखूं तो यहां से मेरे को क्या पता चलता है, मेरे को ये पता चलता है कि एम टू वन मेरा किसके बराबर होगा, एम वन टू के बराबर होगा, और यही चीज इस चीज का प्रूफ देता है क्या, कि जो म्यूचुअल इंडक्टेंस है वो क्या है बच्चों, प्योरली हमारे पास एक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट है, समझ में आ गई ये बात सभी को, हर एक बच्चे को यहां तक क्लियर है ना, ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस। अब इसके ऊपर मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है, देखो इसका ना हम लोग यूज करेंगे बहुत अच्छे से, इसका हम लोग यूज करेंगे,
कैसे यूज करेंगे? जैसे देखो बच्चों, हमारे लिए क्या है, अगर मैं बात करता हूं एम्पियर सर्किटल लॉ की, तो एम्पियर सर्किटल लॉ हमको रिस्ट्रिक्ट करता है, मतलब रिस्ट्रिक्ट नहीं करता, वो यूजफुल है कुछ मटेरियल्स के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए, या फिर मैं बोल दूं मैग्नेटिक फ्लक्स निकालने के लिए, है ना। लेकिन क्या हम मैग्नेटिक फील्ड हर एक मटेरियल के लिए बड़ी इजीली निकाल सकते हैं क्या? आंसर इज नो। हम हर एक मटेरियल के लिए मैग्नेटिक फील्ड इजीली नहीं निकाल सकते, ठीक है ना, आसानी से नहीं निकाल सकते हम मैग्नेटिक फील्ड। हमारे लिए हमको जो है वो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ेगा। तो इसी चीज का यूज मैं करूंगा कि अगर दोनों की मतलब दोनों की ज्योमेट्री अगर सेम है, ठीक है, दोनों की ज्योमेट्री अगर सेम है, तो मैं हमेशा करंट उसमें से फ्लो करवाना ज्यादा इजिली मानूंगा जो जिसके थ्रू मैं अपनी मैग्नेटिक फील्ड या जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो आसानी से कैलकुलेट कर पाऊं। ठीक है, समझ में आई ये बात। इसका यूज हम लोग कहाँ करेंगे भाई? देखो हम लोग क्या एम्पियर सर्किटल लॉ से कहाँ कहाँ पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, बेसिकली किस किन मटेरियल्स के थ्रू, किन ऑब्जेक्ट्स के थ्रू हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं? इनफाइनाइट वायर हो गया, इनफाइनाइट शीट हो गया, या फिर इनफाइनाइट सोलेनोइड हो गया, उन्हीं के थ्रू हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं, है ना, उन्हीं के थ्रू हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। जैसे अगर मान लो मैं यहां पर लिख देता हूं ये इनफाइनाइट वायर के थ्रू, इनफाइनाइट वायर के थ्रू, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस ए किसके बराबर होती है? म्यू नोट आई बाई में टू पाई ए, यस और नो? ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट शीट के थ्रू क्या रहती है हमारे पास? म्यू नोट के बाई टू, ठीक है ना, डायरेक्शन वायरेक्शन आप लोग देख लीजिएगा, वो म्यू नोट के बाई टू, ठीक है। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट सोलेनोइड ठीक है, एट द सेंटर, सेंटर पर हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है बच्चों? ये दैट इज म्यू नोट एन आई, वेयर एन इज माइन, वेयर एन इज माइन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है ना। इन्हीं तीन रीजन के थ्रू मैं मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एम्पियर सर्किटल लॉ से निकाल सकता हूं। नहीं, रियल लाइफ में इनफाइनाइट वायर जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। इनफाइनाइट का मतलब यहां पर क्या होता है उसको समझना। जैसे मान लो मैं यहां पर जो वायर है वो लेकर चलता हूं 10 मीटर की, ठीक है ना, 10 मीटर की, और आप मैग्नेटिक फील्ड इसके सेंटर पर निकालना चाह रहे हो, सेंटर से 0.01 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर या 0.1 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर। तो जिस डिस्टेंस पर मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालना चाह रहा हूं और जो मेरे पास डायमेंशन है मेरी वायर की, वो दोनों क्या है, वो उसके कंपैरिजन में वो क्या है, इनफाइनाइटली लार्ज है। आई बात समझ में? तो वहां पर मैं इसको इनफाइनाइट बोलता हूं। कितने बच्चों को क्लियर हुआ यहां तक? हर एक बच्चे को क्लियर है ना ये वाली बात? ठीक है ना, मैं मानता हूं सभी बच्चों को ये वाली बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब इसी के साथ देखो बच्चों मैं आगे बढ़ता हूं, यहां पर समझना, क्वेश्चन देखिएगा और इसी के साथ हमको मतलब हम इसका आंसर भी जो है वो निकालेंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन ये है, अ शॉर्ट सोलेनोइड ऑफ लेंथ एल, अ शॉर्ट सोलेनोइड ऑफ लेंथ एल, ठीक है, एंड रेडियस ए, ठीक है, रेडियस ए है, विद एन वन टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है, अगर n1 टर्न्स पर यूनिट लेंथ है मेरे पास, ठीक है, विद n1 टर्न्स पर यूनिट लेंथ लाइज ऑन दी एक्सिस ऑफ अ वेरी लॉन्ग सोलेनोइड
ऑफ रेडियस बी, ऑफ रेडियस बी एंड n2 नंबर ऑफ टर्न्स एंड n2 नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, पर यूनिट लेंथ, ठीक है ना। क्वेश्चन को नोट करिए आप लोग साथ की साथ, ठीक है ना, क्वेश्चन को नोट करिए। एक लॉन्ग सोलेनोइड है, एक शॉर्ट सोलेनोइड है जिसकी लेंथ l है, रेडियस a है, उसके पास नंबर ऑफ टर्न्स जो है n1 नंबर ऑफ टर्न्स है उसके पास पर यूनिट लेंथ, एक्सिस ऑफ ए वेरी लॉन्ग सोलेनोइड, ठीक है ना। ये क्या हमारे एक लॉन्ग सोलेनोइड के अंदर हमने इसको रखा हुआ है जहां पर n2 नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है। समझ में आ गई ये बात, ठीक है। करंट आई फ्लोज इन दी, करंट आई फ्लोज इन दी, करंट आई फ्लोज इन दी, इन दी शॉर्ट सोलेनोइड, करंट आई फ्लोज इन दी शॉर्ट सोलेनोइड, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू दी, व्हाट इज द फ्लक्स, फ्लक्स थ्रू लॉन्ग सोलेनोइड, फ्लक्स थ्रू लॉन्ग सोलेनोइड, ठीक है। ये हमको निकालना है। Also calculates its mutual inductance. हमें और क्या बतानी है, इसकी mutual inductance बतानी है, ठीक है। चलिए तो अब बच्चों थोड़ा सा ध्यान देना जो मैं अब यहाँ पर समझा रहा हूँ, ठीक है। एक बार क्वेश्चन को नोट करिए आप लोग। एक शॉर्ट सोलेनोइड है जिसकी लेंथ L है, ठीक है, जिसमें I1 करंट जो N1 नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, ठीक है, और उसी के एक्सिस पर हमने एक लॉन्ग सोलेनोइड रखा हुआ है, ठीक है ना, जिसमें जिसकी रेडियस जो है वो B है और n2 नंबर ऑफ टर्न्स है, ठीक है। हमें बताना है भाई बड़े वाले उसमें कितना फ्लक्स हमारा आएगा, ठीक है। तो ध्यान से समझना इस चीज को, ठीक है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझना, ठीक है। ये मान लो मेरा एक लॉन्ग सोलेनोइड है, जस्ट अ सेकंड, ये मान लीजिए ये मेरा एक लॉन्ग सोलेनोइड है, ठीक है ना, लॉन्ग सोलेनोइड। इसकी जो रेडियस है दैट रेडियस इज b और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कितने हैं, n2, ठीक है। n2 क्या है इसमें, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है ना, ये मेरे पास ये गिवन है। अब इसी में मैंने क्या किया, इसी में मैं क्या करता हूं बच्चों, इसी में मैं एक शॉर्ट सोलेनोइड लगा देता हूं। इसी के एक्सिस पर क्या है, एक शॉर्ट सोलेनोइड है जिसकी रेडियस a है और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हमारे पास, n1 नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है इसमें है, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझो, हो क्या रहा है यहाँ पर, हमने क्या किया ना, इस वाले में करंट i फ्लो करवा दिया, ठीक है, इस वाले में, अंदर वाले में मैंने क्या किया बच्चों, मैंने करंट i फ्लो करवा दिया। और अब मेरे को क्या बताना है, मेरे को बाहर वाले के थ्रू जो है वो फ्लक्स बताना है, ठीक है। अब यहां पर प्रॉब्लम क्या है ना, देखो इनफाइनाइट सोलेनोइड के थ्रू तो मैग्नेटिक फील्ड निकालना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, है ना। इनफाइनाइट सोलेनोइड के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड निकालना तो मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है, बट अगर मैं वहीं पर फाइनाइट सोलेनोइड के लिए आ जाऊं तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड उतनी आसानी से नहीं निकलती। यहां पर कुछ बच्चे मेरे से ये सवाल पूछ सकते हैं कि जो सर हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो आउटसाइड द सोलेनोइड हम जीरो बोलते हैं, ठीक है ना, आउटसाइड द सोलेनोइड हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो जीरो होती है। बट बच्चों फाइनाइट सोलेनोइड के केस में ना वो एग्जैक्ट जीरो नहीं होती, ठीक है, जीरो होती है पर वो एग्जैक्ट जीरो नहीं होती। क्यों नहीं होती, अपने कॉर्नर इफेक्ट्स की वजह से वो एग्जैक्ट जीरो नहीं आती है वहां पर, ठीक है। तो अब मैं इस केस को सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करूंगा, ठीक है ना, ध्यान से समझना, ठीक है। इस केस को सिंप्लीफाई करने के लिए मैं क्या करने वाला हूं, ये जो करंट आई अंदर वाले में जा रहा है ना, मैं ये मान लूंगा ये करंट इसमें ना फ्लो करके वो बाहर वाले पर फ्लो कर रहा है, वो क्या कर रहा है, बाहर वाले पर फ्लो कर रहा है, ठीक है ना, बाहर वाले सोलेनोइड पर फ्लो कर रहा है। जैसे मैंने अभी देखा, क्योंकि म्यूचुअल इंडक्टेंस टोटली डिपेंड किसके ऊपर करेगा, ज्योमेट्री के ऊपर करेगा, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक की ज्योमेट्री के ऊपर, दोनों की ज्योमेट्रीज पर वो डिपेंड करेगा। तो नीचे वाले की जगह आप ऊपर वाले में निकाल लो, फर्क क्या ही पड़ने वाला है, एट द एंड काम तो एक ही करना है ना हमको, ठीक है। तो ऊपर वाला तो इनफाइनाइट सोलेनोइड है,
उसके थ्रू हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ जाएगी, मैं बोल देता हूँ बी टू मैग्नेटिक फील्ड कितनी आएगी मेरे पास, म्यू नोट एन टू इन टू में आई, यही आएगा म्यू टू एन टू इन टू में आई। बट आपने बोला था कि जर्नली है, मतलब समझा नहीं मैं क्या क्वेश्चन है, समझा नहीं, सॉरी एक बार रिपीट कर दो क्वेश्चन अपना। हाँ नहीं, कॉर्नर इफेक्ट को आप नेग्लेक्ट करते हो अगर वो इनफाइनाइट सोलेनोइड हो तो, फाइनाइट सोलेनोइड के केस में हम नहीं कर सकते, ठीक है ना, फाइनाइट सोलेनोइड के केस में हम नहीं कर सकते। इसको वैसे समझ लो जैसे हम लोग इलेक्ट्रोस्टेट में वो रिंग के थ्रू जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे और जब मैंने उसको इनफाइनाइट किया था, इनफाइनाइट के केस में हम कॉर्नर इफेक्ट्स को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, बट इन केस ऑफ फाइनाइट हम नहीं कर सकते, ठीक है ना, क्योंकि फाइनाइट में क्या है ना, अब मैं ये बोल दूं भाई हमारे पास जो कॉर्नर है और जो लेंथ है मान लो ऐसा आ जाए, तो ये वाला हिस्सा तो मेरा बहुत कम है और ये हिस्सा बहुत बड़ा है इसके कंपेरिजन में, ठीक है, मतलब अप्रोक्स अगर दोनों इक्वल भी हैं तब मैं नहीं कर सकता ना, ठीक है ना, तब मैं नहीं कर सकता ना इसको नेग्लेक्ट, ठीक है, इनफाइनाइट के केस में हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, समझ में आई ये बात, ठीक है ना, होपफुली ये समझ में आ गई होगी ये बात सभी को, ठीक है ना, चलिए गुड वेरी गुड, ठीक है, देखिएगा तो अभी देखो बच्चों, अब ये जो रिंग अंदर वाले में है, ठीक है, मैं यहां अंदर वाले में अगर अपना मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना चाहूं, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स इन वन ड्यू टू टू, वो क्या आएगा पाई ए स्क्वायर इन टू में मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ टू, यही बनेगा वो, यस और नो, ठीक है, तो एक रिंग के थ्रू हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स कितना आ जाएगा यहां पर, दैट वॉज पाई ए स्क्वायर, यहां पर आएगा म्यू नोट एन टू इन टू में करंट आई, यस और नो, यस और नो, ठीक है, चलिए ये तो है इसकी एक रिंग के थ्रू, अब इसमें टोटल नंबर ऑफ रिंग्स हैं कितनी एन वन, ठीक है, तो टोटल जो फ्लक्स आएगा वो मेरा कितना आ जाएगा पाई ए स्क्वायर म्यू नोट एन वन एन टू इन टू में आई, यस और नो, कितने बच्चों को यहां तक की बात क्लियर हो गई, कितने बच्चों को यहां तक की कहानी क्लियर है, सभी को क्लियर है ना, सभी को क्लियर है यहां तक, ठीक है, चलिए अब मैं अगर इसको कंपेयर करता हूं फाइ वन टू को, इसको अगर मैं कंपेयर करूं एम वन टू इंटू में आई से, तो यहां पर एम वन टू मेरा क्या आ जाएगा, ठीक है, मैं मानता हूं शायद सही बच्चों ने यहां तक नोट कर लिया होगा, ठीक है, तो मैं यहीं लिख देता हूं, उसके बाद आप लोग नोट कर लेना, एफ एम वन टू कितना आ जाएगा बच्चों मेरा, एम वन टू वाज पाई ए स्क्वायर, ठीक है, म्यू नोट एन वन एन टू। अब एक बात बताओ, क्या ये मैग्नेटिक फील्ड, क्या ये करंट, कितना करंट है, कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, क्या उनमें से किसी भी फैक्टर के ऊपर ये डिपेंड कर रहा है क्या, ये तो डिपेंड ही नहीं कर रहा, यस और नो, ये तो डिपेंड ही नहीं कर रहा, यस और नो, सभी बच्चों को क्लियर हुआ, हर एक बच्चे को क्लियर है ना यहां तक, अरे क्लियर है या नहीं है, सभी को क्लियर है यहां तक, ठीक है, देखो बच्चों म्यूचुअल इंडक्टेंस का अपने आप में कोई यूज इतना खास है नहीं, इसका यूज आएगा कब, अगर मेरा ये जो करंट है ना ये वेरिएबल हो, ये टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा हो, ठीक है ना, ये टाइम के ऊपर डिपेंड कर रहा हो, क्योंकि अगर ये टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स मेरा टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स अगर मेरा टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा तो क्या होगा, फिर मेरे को ईएमएफ देखने को मिलेगी, आई बात समझ में, तब मेरे को एक इंड्यूस ईएमएफ देखने को मिलेगी, कितनी बड़ी बात है ये अगर हम इसको समझे तो, ठीक है ना, कितनी बड़ी बात है ये बच्चों, सोचो आप इसको, ठीक है, कि आप क्या कर रहे हो, आप यहां पर ऊपर वाले पर करंट दे रहे हो, दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है ना, कनेक्शन सिर्फ इतना है कि दोनों पास पास है, ठीक है, जैसे अभी हमारे बीच क्या हो रहा है, इस टाइम हमारे बीच भी क्या हो रहा है बच्चों, म्यूचुअल इंडक्टेंस हो रहा है ना, ठीक है, कि भाई मैं यहां से बोल रहा हूं, ठीक है, और वो आप जो ज्ञान है वो आप अपने अंदर ले रहे हो, ठीक है ना, वो जो ज्ञान का जो फ्लक्स है वो आप अपने अंदर ले रहे हो, पर वो टोटली डिपेंड किसके ऊपर करेगा, आपकी सिंसेरिटी के ऊपर, कि आप कितना सिंसेरली मेरे को सुन रहे हो, है ना, और तो कोई कनेक्शन है नहीं हमारे बीच, ऐसा नहीं है ना कि मैं आपकी नोटबुक में आपका लिख कर जा रहा हूं, ऐसा कुछ भी नहीं है, राइट, ठीक है, तो ये बहुत ही बड़ा एप्लीकेशन है, आप खुद समझिए इस चीज को, कि भाई दोनों के बीच में कोई कनेक्शन नहीं, बस पास पास है दोनों, ठीक है, इस पे आपने करंट दिया, ये वाले के अंदर अपने आप ईएमएफ आने लग गई, ठीक है,
और यही जो चीज है बच्चों, यही जो आप लोगों ने टेस्ला कॉयल वगैरह या निकोला टेस्ला के बारे में, सर निकोला टेस्ला के बारे में अगर आप लोगों ने सुना हो, तो वो भी तो यही चाहते थे ना कि ये जो वायर्स वायर्स हैं सब हट जाए, ठीक है, म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से सबके घरों में इलेक्ट्रिसिटी पहुंच जाए, एक जगह वर्क हो रहा होगा और उसकी वजह से सब जगह जो है वो जो लाइट्स वगैरह है वो जलने लग जाए, है ना, या इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोवाइड होने लग जाए। यस और नो? ठीक है, बचपन में अगर आप लोगों ने कभी साइंस एग्जीबिशन वगैरह में एक्सपेरिमेंट किया हो तो इसके ऊपर बड़ा अच्छा एक्सपेरिमेंट भी करवाया जाता है कि वो एक कॉयल रखते हैं, उसके अंदर मतलब बेसिकली ये बैटरी वगैरह से जोड़ देते हैं, फिर एक बल्ब को लेकर आते हैं, कोई कनेक्शन नहीं बनाते बल्ब को, उस बल्ब को उसके पास घुमाते हैं तो होता क्या है, वहां पर वो बल्ब जो है वो अपने आप जलने लग जाता है। यस और नो? प्रणाम प्रणाम मोनी, प्रणाम मोनी, समझ में आई ये बात, है ना इंटरेस्टिंग बच्चों, है ना इंटरेस्टिंग यहां तक? ठीक है, चलिए अब मैं आगे बढ़ूं ना, ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान देना अगली चीज पर। अब मुझे आपको बताना है बच्चों सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है, मुझे आपको बताना है क्या, सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है, ये सेल्फ इंडक्टेंस है हम जैसे लोगों के लिए, ठीक है, ये सेल्फ इंडक्टेंस किसके लिए है, हम जैसे लोगों के लिए है कि उसके उसके फेवरेट कलर की नेल पॉलिश लगाकर खाना खा लेता हूं, हाँ इसी पर बेस है, उसके नेल पॉलिश की उसके पसंद के कलर की नेल पॉलिश लगाकर खाना खा लेता हूं, लगता है वही खिला रही है। क्यों नहीं करते बच्चे, इसके पीछे बहुत सारी चीजें फैक्टर जो है वो रहता है, तो आप इसको कभी भी मतलब बहुत सारे फैक्टर्स हैं इसमें जो हम लोग इसको यूज नहीं करते हैं, ठीक है, तो वो मैं भी यहाँ पर डिस्कस नहीं करूंगा, ठीक है ना, कंपनीज जो हैं, पैसा कमाना, ये सब चीजें मतलब बहुत सारे फैक्टर्स हैं, नहीं सेल्फ इंडक्टेंस यही है ना, ठीक है, कि उसके फेवरेट कलर की मैं क्या कर लेता हूँ, उसके फेवरेट कलर की जो नेल पॉलिश है वो लगा लेता हूँ और उसके हाथ फिर अपने हाथ से खाना खा लेता हूँ ना, सेल्फ संतुष्टि हो जाती है मेरे को कि भाई हाँ उसी ने ये उसी का ही मोहब्बत, ये उसी की ही मोहब्बत है, राइट, ठीक है, ये उसी की ही मोहब्बत है, ठीक है, हेलो, ठीक है, चलिए गुड, वेरी गुड, जिस दिन उसकी और मेरे कपड़ों की ड्रेस मैच कर जाए उस दिन लगता है हमारी एनिवर्सरी है, ठीक है, मतलब इसी तरह का यही होता है सेल्फ इंडक्टेंस, सेल्फ खुशी जो है, ठीक है, इसमें क्या होगा कि आपके पास एक कॉयल है, राइट, आपके पास एक कॉयल है और उस कॉयल में क्या कर रखा है बच्चों हमने नहीं, यहां पर नहीं बोलता मैं ये बात, पर ये भी एक फेज आता है ना, ठीक है, ये भी एक फेज आता है, एक्चुअल में क्या है ना, किसी महान इंसान ने कहा था कि मतलब मूवीज वगैरह जब तक है तब तक हम लोग बेवकूफ बनते रहेंगे, राइट, ठीक है, अब जैसे एक मूवी का सीन है, ठीक है, मैं आपको अगर डायलॉग बोलूं तो वो डायलॉग ये है कि एक तरफा प्यार की ताकत ही कुछ और होती है, ये दो लोगों की तरह नहीं बटा होता, सिर्फ मेरा हक है इस पे, है ना, ऐसा रहता है ना बच्चों, राइट, ठीक है, तो इसी डायलॉग को लेकर हम जैसे लोग जो है वो सेल्फ इंडक्टेंस रखते हैं, ठीक है, सेल्फ मोहब्बत की, भाई हाँ वो आज भी हमारी है, भले ही उनके मतलब मेरा जो मेरी चांद थी आज उसके दो उपग्रह उसके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, उसके दो छोटे छोटे उपग्रह उनके चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, पर अभी भी वो मेरी तो चांद ही है, राइट चलिए ओके, सेल्फ इंडक्टेंस में क्या होता है बच्चों, ठीक है, सेल्फ इंडक्टेंस समझते हैं हम, क्या होता है इसमें सेल्फ इंडक्टेंस के अंदर, कि मेरे पास एक कॉइल है, ठीक है, उसमें मैंने करंट को जो है वो फ्लो करवाया है, ठीक है, उसमें मैंने क्या किया है, करंट को फ्लो करवाया है, तो उसी करंट की वजह से अब क्या होगा, उस करंट को अगर मैं चेंज करूं तो उस करंट को चेंज करने से क्या होगा, मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो वहां पर मेरे को एक EMF देखने को मिलेगी, और उसी EMF को हम क्या बोल देते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस की EMF बोल देते हैं, मतलब वो EMF जो आती है वो सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से आएगी, तो यहाँ पर कोई एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस नहीं है, जो सिस्टम है उसका खुद का ही करंट चेंज हो रहा है और खुद के ही मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से वहां पर EMF जनरेट हो रही है, ठीक है, ठीक है ना, जैसे मैंने कल वो एक एग्जाम्पल बताया था ना बच्चों, ये वाला देखो क्या है ना, एक सिंपल सी बात समझाता हूं मैं आपको, इसको ऐसे समझने की कोशिश करो, देखो दूसरी या तीसरी क्लास में बैटरी के साथ बल्ब को लगाकर करंट जला देना ये तो बहुत कॉमन काम था ना, बहुत आसान काम होता था ये, अभी क्या है, जैसे मान लो ये मेरे पास एक मैग्नेट है, राइट, ठीक है, अभी देखो मैंने ना बाहर से कुछ नहीं लगाया, मैं बस इस मैग्नेट को मूव करवा रहा हूं, इस मैग्नेट को अगर मैं मूव करवाऊंगा तो इसके थ्रू फ्लक्स चेंज होगा,
इसके थ्रू फ्लक्स चेंज होगा तो मेरे को ईएमएफ देखने को मिलेगी। अब ये जो ईएमएफ है ये टोटली डिपेंड किसके ऊपर करेगी कि ये बॉडी है कैसी, ठीक है ना, इसकी ज्योमेट्री कैसी है, इसकी ज्योमेट्री के ऊपर टोटली वो डिपेंड करेगी। यस और नो, इसकी ज्योमेट्री के ऊपर वो टोटली क्या करेगी, डिपेंड करेगी। समझ में आई ये बात, ठीक है ना। चलिए तो सेल्फ इंडक्टेंस की डेफिनेशन में लिख लो, पता नहीं क्या क्या बुलवाते हो मेरे से क्लास में, ठीक है। चलिए सपोज वी हैव अ ठीक है सर्कुलर कॉयल, ठीक है, करंट फ्लोइंग इन दिस इज, I, ठीक है ना, एंड इट्स रेडियस इज R, ठीक है ना, एंड इट्स रेडियस इज आर, देन देयर विल बी अ मैं जब भी सेल्फ इंडक्टेंस पढ़ाता ना मेरे को अपने दिन याद आ जाते हैं और कुछ नहीं। Then there will be flux passing through the coil. ठीक है, then there will be flux passing through the coil due to its own magnetic field, ठीक है। तो बस यही इसकी कहानी थी, हाँ बस वैसे ही, ठीक है। तो वो क्या है बच्चों, अपनी खुद की ही मैग्नेटिक फील्ड के हिसाब से वो अपने अंदर से जो फ्लक्स है उसको वो उसके अंदर खुद ही मैग्नेटिक फील्ड फ्लक्स आने लग जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि उसी की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, ठीक है ना। चलिए तो देखते हैं आगे, अभी बढ़ता हूं मैं यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेम ऐसा ही है कि जो मेरा फ्लक्स है वो मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसी के अंदर जो करंट है, और वही जो फ्लक्स है वो यहां से अगर मैं प्रोपोर्शनली साइन हटाऊं तो वो ये आ जाएगा ये, ठीक है ना। और इसको बोलते हैं कोफिशियंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, कोफिशियंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, ठीक है। अब पता है देखो इसका जो यूज है ना बच्चों वो क्या है कि हमको मालूम है हमारे पास जो ईएमएफ होती है वो होती है माइनस करली फाइव बाई में करली टी। ध्यान से समझना है इस चीज को, ठीक है, ध्यान से समझिए इस बात को, ठीक है ना। ईएमएफ इक्वल्स टू माइनस करली फाइव बाई में करली टी। अब मैं इसको यहां पर अगर पुट करूं तो ये जो बेसिकली जो मेरे पास एल है दिस इज कॉन्स्टेंट, राइट। तो यहां पर ये माइनस एल बाहर आ जाएगा और यहां पर आ जाएगा करली आई बाई में करली टी, ठीक है ना। दिस इज करली आई बाई में करली टी, यही बनेगा मेरे पास। फ्लक्स इज इक्वल्स टू एल आई और यहां से आ जाएगा करली आई बाई में करली टी, ठीक है। अभी देखो ये इंपॉर्टेंट एक फैक्टर है, ठीक है। इसको ना सिर्फ मतलब फॉर्मूला समेत मत समझिए, इसको थोड़ा सा ऐसे समझने की कोशिश करिए कि इसका मीनिंग क्या है। देखो मैं क्या चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं कि भैया मेरे को जो ये ईएमएफ है ना ये मैक्सिमम देखने को मिले, है ना, क्योंकि ईएमएफ जितनी ज्यादा मेरे को देखने को मिलेगी मैं उतना ही ज्यादा अपना पावर कंज्यूम कर सकता हूँ। यस और नो, उतनी ज्यादा मैं पावर कंज्यूम कर सकता हूँ। और मैं क्या चाहता हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि भाई ये जो करंट के अंदर चेंज या फिर ये जो फैक्टर है ये कम से कम होना चाहिए, क्योंकि ये मेरी इनपुट है ना, ऐसा ही तो चाहूंगा ना मैं कि मैं इनपुट अपनी कम से कम दूं और मेरे पास जो आउटपुट है वो मैक्स टू मैक्स आए। तो वो टोटली डिपेंड किसके ऊपर करेगा, वो टोटली डिपेंड करेगा एल के ऊपर। अगर किसी मटेरियल की ये एल की वैल्यू बहुत ज्यादा हाई हो जाती है, अगर किसी मटेरियल की ये एल की वैल्यू अगर बहुत ज्यादा हाई होगी तो उसका क्या मतलब है कि अब डीआई बाई डीटी कम भी रहा तो भी मेरे को ईएमएफ ज्यादा देखने को मिलेगी। यस और नो, है ना।
तो यही तो मतलब आप इसको ना प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में करने का सोच के देखो, ठीक है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में इसको करने का सोच के देखो क्या कि भाई मैं चाहता हूं कि भैया मेरे पास जो मैं इनपुट दूं वो कम से कम आए और ईएमएफ ज्यादा से ज्यादा देखने को मिले, तो इसका क्या मतलब है कि भाई मेरे पास ये एल जो है ये ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, यस और नो, ये जो एल है मेरे पास ये ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं, वहां से शायद आप लोगों को समझ में आ जाए, ठीक है। तो क्वेश्चन देखिएगा, यहां तक शायद नोट कर लिया होगा सभी ने, एक क्वेश्चन देखो, ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड दी सेल्फ इंडक्टेंस, फाइंड दी सेल्फ इंडक्टेंस इंडक्टेंस ऑफ अ टोरॉइडल कॉइल ठीक है ना, ऑफ अ टोरॉइडल कॉइल विद रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया ये इंपॉर्टेंट लाइन है, तभी मैंने इसको अलग कलर से लिखा है, ठीक है ना, ताकि आपको थोड़ा समझ में आ जाए, ठीक है। विद रेडियस विद इनर रेडियस इज ए एंड आउटर रेडियस इज बी एंड आउटर रेडियस इज बी ठीक है, एंड हाइट एच ठीक है, which carries the total turns n, which carries a total turns n ठीक है, जहां पर number of turns क्या है मेरे पास, n है। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझो, ये क्या बोल रहा है कि भाई हमको सेल्फ इंडक्टेंस निकालना है एक टोरॉइड के थ्रू, ठीक है ना, जिसका रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन हो रही है, बट कंडीशन ये होनी चाहिए बच्चे कि यहां पर है ना आपका जो करंट है वो टाइम के ऊपर डिपेंड करना चाहिए। अगर करंट आपका कांस्टेंट हुआ ना तब ऐसा नहीं होगा, ठीक है, तब तो ना म्यूचुअल इंडक्टेंस आएगी ना सेल्फ, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस और सेल्फ इंडक्टेंस आ सकता है पर उसका कोई मतलब नहीं ना, ये तो वैसा ही हो गया कि ये उसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, कि मारने को तो मैं शेर मार दूं है ना पर जंगल में जाने से डरता हूं, राइट, ठीक है, हाँ ये वैसा ही है, ठीक है, कि वो कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस वो उसकी प्रॉपर्टी बताते हैं कि भाई ये इतना अच्छा इसका कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस है कि ये इतने अच्छे से मतलब इस मेटल का अगर यूज किया तो ईएमएफ बहुत अच्छी आएगी, आई बात समझ में, ठीक है ना। बट अगर हमारे पास टाइम वेरिंग करंट नहीं है तो कोई मीनिंग ही नहीं उस बात का, ठीक है ना, कोई मीनिंग ही नहीं है उस बात का, ठीक है। तो अभी इस क्वेश्चन को देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है, देखिएगा, देखो बच्चों, सबसे पहले बच्चा ये जानना चाहता है कि ये टोरॉइड होता क्या है। टोरॉइड क्या होता है, बेसिकली टोरॉइड हमारे पास एक इनफाइनाइट सोलेनोइड ही होता है, ठीक है, इनफाइनाइट सोलेनोइड है ऐसा, और उसको आपने क्या किया, मतलब ऐसा सोलेनोइड ऐसा होता है ना आपका इनफाइनाइट सोलेनोइड इस टाइप का है, अब आपने क्या किया उसको पकड़ के ऐसा घुमा दिया, तो बेसिकली जो हमारे पास स्कूटी वूटी का जो टायर वायर रहता है अंदर का, ठीक है ना, वो जो क्या बोलते हैं उसको ट्यूब जो रहती है, ठीक है, उस टाइप की इसकी शेप रहती है, ठीक है। चलिए, तो यहां से अगर मेरे को मैग्नेटिक फील्ड निकालनी तो इनफाइनाइट सोलेनोइड के थ्रू अगर मैं निकाल सकता हूं तो मैं बेसिकली जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है वो टोरॉइड के थ्रू भी निकाल सकता हूं, कैसे, दैट इज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, है ना, और यहां पर अगर मान लो अब ये मेरा ये टोरॉइड है तो यहां पर ये एम्पियर लूप बन जाएगा ऐसा, तो ये क्या आएगा बी इन टू में टू पाई आर, यहां आएगा म्यू नॉट एन आई म्यू नॉट आई, तो ये आ जाएगा बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई बाई में टू पाई आर, है ना, और ये है एक टर्न से, एक टर्न के लिए, और अगर ऐसे नंबर ऑफ टर्न्स मेरे पास एन हो तो एन से मल्टीप्लाई कर दो। यहां पर ध्यान रखना बस इस बात को, सोलेनोइड में जो स्मॉल एन होता है दैट वॉज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ,
यहां पर जो ये टोटल कैपिटल एन है दैट वॉज नंबर ऑफ टर्न्स। समझ में आ गई ये बात, समझ में आया ना? तो ये तो होगी भैया मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब बात करनी है मेरे को मैग्नेटिक फ्लक्स की। अब मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए क्या रहता है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझना। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या रहता है मेरा, दिस इज बी डॉट डी एस, यस और नो? ठीक है। अब यहां ये तो चलो एक आर रेडियस मेरे पास कॉन्स्टेंट थी, यहां तक शायद नोट कर लिया होगा, मैं आगे बढ़ देता हूं, ठीक है। तो यहां पर देखना बी डॉट डी एस, दिस इज माय मैग्नेटिक फ्लक्स, राइट? ठीक है। अब टोरॉइड के थ्रू अगर मैं बात करूं तो वो क्या आ जाएगा, म्यू नोट आई बाई में यहां आ जाएगा टू पाई, क्या आ जाएगा बच्चों, म्यू नोट आई बाई में यहां पर आ जाएगा हमारे पास टू पाई, दिस इज बेसिकली एक्स लिख दो यहां पर, ठीक है, एक एक्स डिस्टेंस के ऊपर अगर मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। बट अब आती बात एरिया की, तो इसने क्या बोला ना, इसने ये बोला है कि हमारे पास रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया है। रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब टोरॉइड पर हम लोग कहां पर है, ये ऐसा क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको बनाना है। तो इसकी जो लेंथ है दैट वॉज डी एक्स, इसकी जो ब्रेथ है दैट वॉज डी वाई, ठीक है, दैट इज डी वाई। तो इसको चाहे वाई लिख लो चाहे एक्स लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां पर आ जाएगा डी एक्स, यहां आ जाएगा डी वाई। सर्कुलर एरिया समझकर इसका इंटीग्रेशन मत करना आर डी आर डी फाई करके जो हम लोग करते हैं, उससे नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि उसने क्वेश्चन में गिवन किया है हमको कि हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया कैसा है, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया है। आई बात समझ में, ठीक है। इंटीग्रेशन कर दो जीरो टू ए, सॉरी बीच में है ना, ए इनर रेडियस और आउटर रेडियस दे रखी थी ना आपको, ठीक है। तो ये आ जाएगा ए से बी बेसिकली। कितने बच्चों को समझ में आया यहां तक, कितने बच्चों को समझ में आया, ठीक है। एक हमारे पास हाइट आ जाएगी यहां पर, हाइट एच थी ना, तो एक आ जाएगा जीरो से एच, ठीक है। तो ये आ जाएगा म्यू नॉट आई बाई में टू पाई, इसको मैंने हाइट बोल दिया, दिस इज एक्स, और यहां आ जाएगा एल एन ऑफ बी बाई, ठीक है। ये क्या आ गया मेरे पास, मैग्नेटिक फ्लक्स आ गया। आई बात समझ में, कितने बच्चों को यहां तक क्लियर है? सर एक डाउट है, क्लोज इंटीग्रल क्यों है? नहीं तो क्या करेंगे हम लोग, क्लोज इंटीग्रल करेंगे ना, मैं किसी एक सरफेस के ऊपर बात कर रहा हूं ना, क्लोज इंटीग्रल यूज करेंगे हम लोग यहां पर, है ना। मतलब बी डॉट डी एल इज म्यू नॉट आई, राइट? ये किसके लिए होता है, मतलब हमारा ये जितने भी होते हैं सरफेस ओपन होते हैं, ठीक है। आप इसमें शायद कंफ्यूज कर रहे हो, सरफेस ओपन होता है पर बॉडी तो मेरी क्लोज होती है ना, कि भाई करंट कितना क्लोज है उस बॉडी के अंदर। मतलब जैसे अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, जैसे मान लो ये है, ठीक है, कोई भी एक ये बॉडी है, यहां पर करंट ऊपर को जा रहा है, यहां पर करंट नीचे को जा रहा है, ठीक है। यहां पर कुछ भी करंट की वैल्यू है, ये आई वन बोल दिया, ये आई टू बोल दिया, ये भी ऊपर को जा रहा है, ये नीचे को जा रहा है आई थ्री। तो अगर मैं बाहर वाले करंट को प्लस बोलता हूं तो आई, समझ गए ना मेरी बात, ये है क्लोज सरफेस, ठीक है। इसको उससे मत समझो, वो मैंने जो बोला था वो क्या था, मतलब क्लोज इंटीग्रल है बट ये सरफेस तो ओपन है ना। ओपन सरफेस का मतलब ये होता है कि आप उसमें कोई वॉल्यूम ऑक्यूपाई नहीं करवा सकते, ठीक है ना। ये मैं समझ गया, आप शायद वो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम और स्टोक्स थ्योरम में जो हम लोग पढ़ते हैं कि वैलिड ओनली फॉर ओपन सरफेस, वो सरफेसेस है, ये इंटीग्रल है। समझ में आई ये बात, ठीक है ना कंचन, क्लियर हुआ ना बच्चे, क्लियर है बच्चों यहां तक, ठीक है। चलो मैं मानता हूं शायद यहां तक क्लियर हो गया होगा, आगे बढ़ता हूं तो देखिएगा, ठीक है। अब मैं अगर अपने इसको कंपेयर करूं फ्लक्स इज इक्वल्स टू एल आई से, तो यहां पर मेरे पास ये इंडक्शन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा बच्चों, म्यू नोट एच बाई में टू पाई एल एन ऑफ बी बाई ए। कितना गंदा है ये, बहुत बेकार है, ठीक है। क्यों बोल रहा हूं मैं इसको कि ये बहुत बेकार है करके, क्योंकि हम लोगों को पहले ही पता है कि एल एन का काम क्या होता है, बड़ी कैलकुलेशन को स्मॉल कर देना। तो अगर मैं ये क्रॉस सेक्शनल लेकर चलता हूं, नहीं नहीं वही उसी पर आ रहा हूं मैं, उसी पर आ रहा हूं शिवांगी, ठीक है, उसी पर आ रहा हूं, वही बोल रहा हूं कि हम लोगों ने अभी क्या किया ना, देखो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शनल का क्या मतलब था, ध्यान से समझना इस बात को, ठीक है। ये टोरॉइड ऐसा होगा, ठीक है, ध्यान से समझो, ठीक है, इस टाइप में। मतलब आपने इसको ऐसा घुमा दिया ना, मतलब इसको मैं ऐसा करूं, ये दिखने में ऐसा होगा टायर जैसा, बट इसकी समेक हाइट भी है,
नहीं बन रहा। अच्छा रुको, मैं ना इसको अच्छा बनाने की कोशिश करता हूँ एक बार ना, ठीक है। इसको अच्छा बनाता ही हूँ आज, मैं बिना बनाए नहीं जाऊँगा, ठीक है। ये अंदर वाला हिस्सा, सिमिलरली ये ऐसा बाहर वाला हिस्सा, ठीक है। जैसे हमारी ट्यूब की टायर होती है ना, उसकी कुछ हाइट भी रहती है, राइट, उसकी कुछ हाइट भी रहती है। हाय आशीष, हाय, ठीक है, उसकी कुछ हाइट भी रहती है बच्चे। तो अब हमने ना रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया ये वाला लिया है। हम चाहते, देखो ध्यान से समझना इस बात को। अब मैं ds जो है, ds वेक्टर यहां पर क्या क्या वेरी करेगा, एक तो हाइट, अगर हाइट को मैं z बोलता हूं, दैट वॉज dz, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, z इज dh, राइट। और एक आएगी ये वाली लेंथ, इसको मैंने x बोल दिया, तो एरिया एलिमेंट क्या बन जाएगा, वाई कैप, ठीक है। वो डिपेंड करता है कि हम कौन सा क्रॉस सेक्शन लेना चाह रहे हैं। अब अगर मान लो मैं इसके थ्रू, मतलब इसका वेरिएशन y डायरेक्शन के कोरेस्पॉन्डिंग अगर मैं देखना चाह रहा हूं, तो वो बहुत ही खराब आया है, क्योंकि ln में आया है, तो ये जो l है इसकी वैल्यू अपने आप में बहुत छोटी आएगी। समझ में आई ये बात। अब मैं दूसरे में क्या करूंगा, इसी क्वेश्चन को अगर आपको दूसरे फॉर्म में देखना है, तो देखो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है, म्यू नोट एन आई बाई में टू पाई आर, राइट। अब क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या ले लें, हम सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लें, ठीक है ना, सर्कुलर क्रॉस, सॉरी ये तो दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, राइट, दिस इज मैग्नेटिक, सर्कुलर क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लूं, तो फ्लक्स क्या बन जाएगा मेरा, म्यू नोट एन आई बाय में टू पाई आर। अब मैं सर्कुलर ले रहा हूं, ठीक है ना, कि मैं सर्कल के कोरेस्पॉन्डिंग देख रहा हूं कि वो बाहर को कैसा चेंज आ रहा है, मतलब रेडियली आउटवर्ड में कैसा हमारे पास म्यूचुअल इंडक्टेंस चेंज होगी, या फिर फ्लक्स जो है वो चेंज हो रहा है, ठीक है ना, मतलब रेडियली आउटवर्ड जा रहा हूं ना, तभी आर डी आर डी फाई आएगा, राइट, ठीक है। तो मैं यहां पर देखना चाह रहा हूं कि रेडियली आउटवर्ड हमारा फ्लक्स कैसे चेंज हो रहा है। पहले मैं फ्लक्स देख रहा था, हाइट के कोरेस्पॉन्डिंग कैसा चेंज हो रहा है, समझ में आया। पिछले वाले में हाइट के कोरेस्पॉन्डिंग का फ्लक्स चेंज, अब वाले में रेडियली आउटवर्ड वाले का फ्लक्स चेंज, समझ में आ गया होगा शायद सभी को, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, आर डी आर, ठीक है, कर दो इंटीग्रेशन, कर दीजिए इंटीग्रेशन, ए टू बी पाई इज जीरो से टू पाई, ठीक है। बाहर निकालूंगा तो क्या बन जाएगा, म्यू नोट एन आई, दिस इज बी माइनस ए, दिस इज टू पाई, ठीक है, टू पाई से टू पाई तो कैंसिल हो जाना है, ठीक है, इस वाले टू पाई से ये वाला टू पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो अब अगर मैं यहाँ पर जो फ्लक्स है उसको एल आई से अगर रिप्लेस करूं, तो यहाँ पर एल आ जाएगा मेरा क्या, म्यूचुअल इंडक्टेंस। समझ में आ गई ये बात, कितने बच्चों को यहां तक की कहानी समझ में आ गई, हर एक बच्चे को क्लियर है ना यहां तक, ठीक है। चलिए अब बच्चों देखो, इसी में ये तो मैंने क्वेश्चंस के थ्रू आपको समझाया, इसी को ना मैं थोड़ा सा और अच्छे से अगर समझाना चाहूं, तो देखो जैसे आप लोगों ने क्लासिकल मैकेनिक्स में दो तरह की एनर्जी पढ़ी है, ठीक है, दो तरह की एनर्जी आप लोगों ने पढ़ी है, एक होती है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी, एक होती है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी, राइट, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इन द फॉर्म ऑफ स्टोरेज रहती है वो, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ स्टोरेज, कि भाई हमने किसी एक हाइट तक पानी को ऊपर तक फिल किया है, तो वो पोटेंशियल एनर्जी वहां पर स्टोर हो रखी है हमारी, राइट ना, ठीक है। ऐसे ही इलेक्ट्रोस्टेट में पोटेंशियल एनर्जी स्टोरेज क्या होती है हमारे पास, हम चार्ज को स्टोर करके किसमें रखते हैं, हम पोटेंशियल एनर्जी के केस में चार्ज को कहां पर स्टोर करते हैं बच्चों, ठीक है, हम पोटेंशियल एनर्जी को, मतलब पोटेंशियल एनर्जी का मतलब है स्टोरेज, मतलब चार्जेस की फॉर्म में हम स्टोरेज कहां रखेंगे, उसमें कैपेसिटर के अंदर, कैपेसिटर का काम होता है ना चार्ज को स्टोर करके रखना, तो यहां पर हमारे पास एनर्जी कितनी आ जाएगी, यू इज हाफ सी वी स्क्वायर, दिस इज माय पोटेंशियल एनर्जी, राइट, दिस इज माय पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। हाँ अब यहां पर क्या हो रहा है, देखो यहां पर क्या हो रहा है, हमारा चार्ज फ्लो कर रहा है, और चार्ज फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या आएगी, काइनेटिक एनर्जी, और वो काइनेटिक एनर्जी जो स्टोर होती है वो हमारी किसके अंदर होती है बच्चों, इंडक्टर के अंदर, इंडक्टर के अंदर, ठीक है ना। और वो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी उसको भी देख लेते हैं हम, ठीक है, वो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी बच्चों, वो काइनेटिक एनर्जी मेरी रहती है बेसिकली, ये कितनी रहती है, हाफ एल आई स्क्वायर, सॉरी मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख देता हूं, दिस इज, आप लोगों ने सुना भी होगा ना, दिस इज हाफ एल आई, ठीक है। इसको निकालने का तरीका बड़ा सिंपल है, कि आपको इलेक्ट्रो मैग्नेटोस्टैटिक एनर्जी पता है, दैट वाज 1 बाय 2 म्यू नोट
इंटीग्रेशन ऑफ बी स्क्वायर, ठीक है, यहां आ जाता है डी टाउ, राइट, ये आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, यहीं से हम इसको निकालते हैं, तो यहां से ये हमारे पास हाफ एल आई स्क्वायर आ जाता है। समझ में आया यहां तक सभी बच्चों को? हर एक बच्चे को यहां तक क्लियर है ना? ठीक है, चलिए, तो जैसे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी, मतलब अगर हमको चार्ज को स्टोर करके रखना है तो वो क्या होगी बच्चों, हमारे पास बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी जो कि कैपेसिटेंस में होती है, और इंडक्टर क्या काम करता है, उस एनर्जी का यूज करवाता है इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी की, अब चार्ज जो है वो फ्लो कर रहे हैं। ध्यान से समझो इस चीज को, मतलब सिर्फ फॉर्मूला बेस मत समझो। देखो, एक ऐसा मटेरियल लिया जो चार्ज को बहुत ज्यादा स्टोर कर सकता है, मतलब उसमें क्या है, अब बहुत ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी है। फिर हमने एक ऐसा मटेरियल लिया, हमने एक ऐसा मटेरियल लिया जहां पर करंट अगर कम भी हो तो भी आपको ईएमएफ बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। अब अगर वहां पर करंट ज्यादा होगा और वो एल क्या होगा, अगर वो पहले से ही बहुत बड़ा है तो आपको काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी। इसने अपने चार्ज के स्टोरेज का यूज किया कहां पर, इसको काइनेटिक एनर्जी देने पर, और ये सभी हमारे यूजेस में आएंगे, क्योंकि हम यही चाहते हैं ना इसकी वैल्यू बहुत बड़ी हो ताकि ज्यादा चार्ज स्टोर हो पाए, फिर हम ये चाहते हैं कि इसकी वैल्यू भी बड़ी हो ताकि हम ज्यादा वर्क ले पाए। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं दिखा देता हूं, वेट हा, वेट वेट वेट, दिस इज दिस, ठीक है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट इसका, ठीक है, ये तो वैसे आप वीडियो बंद होने के बाद भी आप देख सकते थे, ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है, इसमें यहां पर तो वीडियोस ऐसी रहती है कि जैसे हम क्लास खत्म करते हैं 10 या 15 मिनट बाद ये पब्लिश हो जाती हैं वीडियोस, ठीक है, आप देख सकते हो वहां पर इसको, ठीक है ना, चलो ओके। तो इसी के साथ बच्चों मैं एक बार दोबारा अनाउंसमेंट कर देता हूं इस चीज के लिए, ठीक है, कि भाई अगर आपको CUCT के कोई भी रिकॉर्डिंग लेक्चर्स अगर आपको चाहिए तो ये सिर्फ 99 रुपीज में है आप लोगों के पास। बता देता हूँ, ठीक है, अभी बता देता हूँ, ठीक है ना, ये सिर्फ 99 रुपीज में है रिकॉर्डिंग लेक्चर जितने भी है हमारे, और दूसरा CUCT की जो हमारे पास टेस्ट सीरीज है, ठीक है, ये है सिर्फ 1 रुपए में, आप 1 रुपीज पे करो और आपको CUCT के सारे टेस्ट सीरीज जो है वो मिल जाएंगे, ठीक है ना, उससे प्रैक्टिस करिए, चाहे वो जैम के बच्चे हो चाहे आप किसी के भी बच्चे हो, ठीक है, प्रैक्टिस तो कर ही सकते हो आप इससे, राइट, चलो ओके। तो अभी मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा, ठीक है, मैं मानो शायद यहां तक सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। हाँ, एक बच्चे ने मेरे से एक सवाल पूछा था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे निकालते हैं हम। देखो, मान लो हमारे पास एम्पियर लूप क्या बोलता है, एम्पियर सर्किट लॉ, दैट वाज बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, राइट, है ना, यही होता है। अब टोरॉइड कैसा होता है आपका, इस टाइप में, ठीक है, ये होता है हमारा टोरॉइड, ये मेरे पास रेडियस आर है, मैं यहां पर निकालना चाहता हूं मैग्नेटिक फील्ड, तो यहां पर डीएल, इसका ये डीएल कितना बनेगा यहां पर, दैट इज लेंथ, दिस इज 2πr, दिस इज म्यू नॉट आई, तो ये बी क्या आ गया, म्यू नॉट आई बाई में 2πr। अब इस, देखो ध्यान से समझना, इस टोरॉइड में क्या है, एक ऐसा टर्न बना हुआ है, तब ये है, अगर इसमें मैं बोल दूं कि नंबर ऑफ टर्न्स हैं, ऐसे एन नंबर ऑफ टर्न्स हैं, तो इसको एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, सर पेपर में गर्दा कैसे अपडेट करें, समझा नहीं मैं, ये क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है गर्दा, बोले तो हिंदी बोलो भैया, हिंदी वर्णमाला का इस्तेमाल करें आप, हर लिपि मुझे नहीं आती, ठीक है ना, हिंदी भाषा को ही समझ सकता हूं मैं ठीक ठाक, ठीक है ना, चलिए। तो आई थिंक शायद आप मार्क्स के बारे में पूछ रहे हो, तो मार्क्स तो ऐसा है बच्चे, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे ना, गलतियां आएंगी, उन गलतियों से अपने शॉर्ट नोट्स बनाओ, ठीक है, और उसके साथ अपनी प्रैक्टिस करो, वैसे ही ये इंप्रूव होंगे, अदरवाइज तो नहीं होते इंप्रूव ऐसे, ठीक है ना, अदरवाइज इंप्रूव नहीं होते ऐसे, ठीक है, तो प्रैक्टिस करने से ही बनेंगे ये, ठीक है। चलिए बच्चों, फिर हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, होपफुली शायद आप सभी को म्यूचुअल इंडक्टेंस एंड सेल्फ इंडक्टेंस जो है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है, अच्छे से, तो मिलते हैं फिर हम लोग अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर, ठीक है बच्चों, ठीक है, तब तक के लिए बाय। हरियाणवी भी आती है पर हरियाणवी भाषा नहीं, हरियाणवी बोली है, ठीक है, चलिए ओके, ठीक है बच्चों, फिर बाय बाय, थैंक यू वेरी मच, हाँ, थैंक यू।